ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र में कई इंफॉर्मेशन, कई जानकारियाँ दी गई हैं, कई बातों के बारे में बताया गया है। तो मैं बता दें आपको कि ये लक्षणों वाली पत्नियाँ होती हैं भाग्यशाली। हस्तरेखा विज्ञान की माने तो यदि आपकी बीवी की उंगली गोल और लंबी है तो बहुत भाग्यशाली है। इतना ही नहीं, उसके भाग्य का असर आपके ऊपर भी दिखेगा, मतलब पत्नी के साथ साथ आपकी भी किस्मत खुल जाएगी। खासकर धन दौलत और ऐशो आराम की दोनों को ही लाइफ में कोई कमी नहीं होगी। यदि आपकी पत्नी की उंगलियां चिकनी सीधी और मांसल है तो ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी सुखमय व्यतीत होने वाली है। समुद्र शास्त्र की माने तो इस तरह की महिलाएं लक्ष्मी समान होती हैं। उनके घर में प्रवेश करने से सुख और धन की वृद्धि होती है। खासकर पति को धन अर्जित करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं। जिस महिला की उंगली आगे से पतली और सभी पोर बराबर व सुंदर होते हैं, वह घर में खुशनुमा माहौल बनाकर रखती है। ऐसी लड़की से शादी करने पर वैवाहिक मैच। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़की से शादी करने पर वैवाहिक जीवन अच्छे से व्यतीत होता है। इस तरह की महिलाएं घर में तालमेल बनाकर चलती हैं। वे घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल लेती हैं। वे पूरे परिवार को साथ लेकर चलती हैं। इससे परिवार की तरक्की पर तरक्की होती चली जाती है। तो वहीं ऐसे लक्षण भी हैं जिससे कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। यदि किसी महिला की उंगली छोटी हो, उंगलियां को आपस में मिलाने पर बीच में खाली जगह रह जाती है, तो ऐसी लड़कियां वैवाहिक जीवन में धन की परेशानी की वजह बन सकती हैं। इस तरह की उंगलियां वाली लड़कियों को पैसा खर्च करने की आदत होती है, मतलब ये खर्चीली स्वभाव की होती हैं। ये पैसों को जोड़कर नहीं रख पाते हैं। पैसा आने पर ये इन्हें फटाफट खर्च कर देती हैं। इन्हें भविष्य की चिंता कम होती है। ये वर्तमान में जितना पसंद करती हैं। तो मैं बता दें आपको कि यदि किसी महिला के हथेली के ऊपरी भाग में रोम यानी बाल है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब है कि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में भी यह बताया गया है कि इस तरह की कन्याओं का वैवाहिक जीवन सुख वाला नहीं होता है। इनके पति को जीवन में कई परेशानियाँ उठानी पड़ जाती हैं। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट चरण जगहों से प्राप्त हुई। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट टाइम इस पीसी के